जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। घर की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। समती बहन जी, कहिए। मुझे काली नदी बहन जी से मिलना है। किससे? काली नदी बहन जी। काली नदी नहीं, कालिंदी। मैं ही हूँ कालिंदी, कहिए। मुझे रमेश ने भेजा है जी। रमेश? अच्छा अच्छा, गंगराली से? जी जी। अरे आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बैठो जरा, अभी चलते हैं। हाँ चले जी। शशिना टेक्सटाइल्स में हो ना? जी। गांव में खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी होती तो यहाँ गुलाब निकलने आता। बापू की जमीन तो ठाकुर ने कुर्की करवा ली। ओ, घर में इतने जने हैं? एक घरवाली है जी, छह बालक हैं। छह बालक? राम राम राम। बालक तो गरीब की संपत्ति हो गए जी। बस सीधी गंगरौली तक जाती है? मेन रोड पे उतार दे गए, वहां से साइकिल का रास्ता है। बैठिए। कितनी दूर जाना है? ज्यादा दूर ना है, बस यही एक कोस होगा। इतनी दूर मुझे बिठाकर साइकिल खींचोगे? नहीं भाई, पैदल निकल लेते हैं, तुम थके हुए हो। मजदूर को काय की थकान बहन जी, थकान की तो आदत पड़ जावे है। बैठिए। हाँ जी, सबसे बड़ी तो लड़की ही है, उसी की शादी को लेके परेशान हूँ। कितनी बड़ी है? 15 पार कर गई है। 15? और तुम अभी से उसकी शादी को लेके परेशान हो रहे हो? मैं तो 3 साल से लड़का तलाश कर रहा हूँ जी, कहीं अच्छा रास्ता मिला ही ना है। कौन से जमाने में रहते हो तुम चैत्रा? अरे इतनी कम उम्र में शादी ना लड़की के लिए अच्छी है ना उसके बच्चों के लिए, ये तो उसके पढ़ने लिखने की उम्र है। अजी छोड़ो बहन जी, खाते पीते लोगों के चोचले हैं जे, जहाँ किस पे पैसे धरे हैं लड़की को पढ़ाने के। जितनी जल्दी ससुराल जाए सर से बोझा उतरे। जाहिल बेटी को ससुराल भेजोगे तो वहाँ क्या खुश रह पाएगी? क्यों, वहाँ जाके कलेक्टरी करनी है क्या उसे?
रोटी पोएगी, बच्चे पालेगी, इसमें कौन से हाथी घोड़े लगे हैं। जैसी रोटी जाहिल पकाए वैसी पढ़ी लिखी। हाँ, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की रोटी पकाने के अलावा भी बहुत कुछ कर लेती है। ऐसे कुछ दिन से उसने जिद करके जाना शुरू तो किया है वहाँ। कहाँ? वो क्या कहते हैं उसे, पिरौड़ शिक्षा केंद्र। शंकर की सलज ने सामू की साली के शरबत में शक्कर मिलाई, सामू की साली ने शंकर की सलज को सलजम की सब्जी खिलाई। शंकर की सलज, सामू की साली, अरे शंकर नहीं शंकर, और सामू नहीं शामू, शामू शा शा शा, शलजम की सब्जी, शलजम सब्जी, शा सा शा सा शा सा। आप सगरी बोलो, शा सा शा सा शा सा। हाँ, अब शा लिखो जेवा। अब अगला लिखो था। थानेदार थड़े पर बैठा ताली भर भर खाए, थल थल बाकी थोंद हिले, थोड़ा थोड़ा सहलाए। अरे वाह, ये तूने कहाँ से सीखा? अरे कहीं से भी ना, जो ही मुंह में आया सो ही बोल दिया। ले कमाल कर दिया, बैठे बैठे कविता ही बना डाली। मौसी जे मुझे लिख दो। लिख तो दूं, पर इसमें कुछ ऐसे अक्षर आए हैं जो तूने अभी सीखे ही ना। फिर भी लिख दो, मैं अम्मा से पढ़वा कर याद करूंगी। अच्छा बाबा लिख दूंगी, पर उससे पहले तू एक ऐसा वाक्य लिख जिसमें जे दोनों नए अक्षर आ जाएं, श और थ। अच्छा पढ़े इसे राम प्यारी। रे शम रेशम का थान, आहा रेशम का थान, अरे गाढ़े का चिथड़ा तो नसीब ना हुए है, इसे रेशम की थान की पड़ी है, बिल्ली को खा में भी छिछड़ी छिछड़ी। हाँ, अम्मा के बक्से में रेशम का जोड़ा रखा है, उसकी शादी का मैंने देखा है। अरे गए जमाने रेशम के जोड़ों के, तेरी शादी में सूती बन जाए उसे गली मत जानी हूँ। देख लो मौसी, जे फिर शादी की बात कर रही है, इतनी बार कह दी मोको ना करनी शादी, हमेशा शादी शादी। हाँ नहीं तो का कही ना करनी शादी। शादी नहीं शादी, और जब बच्ची को पसंद नहीं तो क्यों छेड़ती उसे बार बार, जो उसकी शादी की उम्र है। अरे पढ़ लिख रही है उषा बहन जी से काम सीख रही है, पढ़ लिख जाए अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, 18 की हो जाए तब सोचेंगे शादी की बात। कहा 18 साल में शादी? अरे 18 साल की उम्र में तो मेरे 3 दिन बाल खाए गए, तभी 45 की उम्र में 60 की लगे, और 18 की उम्र के 3 बालक तो गिना रही है, उसमें रहे कितने। बोले देगी तो मुझे ये सब याद आते ही मेरा खून सर पे चढ़ जावे। बता राम प्यारी मुझे कि ये सब सोच के तुझे दुख हो गया। अरे एक एक करके 3 बालकों का गुजरना,
तुम लोग तो सोच भी ना सको कि इसमें क्या बीती। हर चीज तो कुआं में कूद करके मर जाने को है रही है। जब इसके अपने खेलने खाने की उम्र है तब जी अपने बालकों का सोग मना रही है। हर घर में खाने को दाने ना होते थे पर फिर भी हर साल एक बालक। मैंने क्या सुनी नहीं है? गांव के बच्चों को खेलते देखती तो इसका मन भी करे था पर इसके इसके तो एक गोद में होता एक पेट में। राम प्यारी तुम उससे बुजुर्ग है, तेरे दुनिया देखी है, अरे मैं तुझे क्या समझाऊंगी। फिर भी एक बात कहती हूं कि जिस दुख दर्द के रास्ते से तू खुद गुजरी है उससे सबक ले। अरे औरों को तो मत दिखा वो रास्ता। कौशल्या भी पड़ेगी, अपनी माँ की तरह स्वास्थ्य सेविका बनेगी, 18 की होकर के शादी करेगी और वो भी ऐसे लड़के से जो 2 से ज्यादा बच्चे ना बनाएगा। देखिए हमारे बस में तो कुछ हानि, बाप ने उठाकर शादी कर दी, हम चले आए मगर पर तू ऐसे ही करना जैसे सुशीला कहवे है, तेरी माँ कहवे है। कोई तो बचे इस जान के जंजाल से। कमला के पिता थे शीशराम। शीशराम की कमाई कम थी, बीबी बीमार रहती थी, 7 बालक थे, सबसे बड़ी कमला थी। कमला 12 साल की थी, पढ़ लिख ना पाई थी, लेकिन शीशराम पढ़े लिखे लड़के की तलाश कर रहे थे पर बात ना बन पा रही थी। शीशराम बड़े परेशान थे। परेशान ना होगा, बाप दादा की जायदाद तो गई ठाकुर के पेट में। अच्छी किसान का बेटा शहर में मजूरी करने को मजबूर, और जो पगार आवे उससे बस 2 जून की रोटी चले, वो भी किसी तरियो खींच तान करके। घर में मियां बीवी को छोड़कर 6 पिरानी है रोटी खाने वाले, अब बोलो कैसे गाड़ी चले। बहन जी बाप बेटी का दुश्मन ना होवे यही सोचकर वो शादी की जल्दी करे कि लो मैं तो बेटी के लिए कुछ कर ना सका, शायद ससुराल में ही कुछ सुख भोग ले। अजी फिर बिरादरी वाले भी कौन सा चैन से बैठने देवे हैं जी, बेटी सियानी हुई ना कि ताने तिसने शुरू है जावे हैं। आप लोग ठीक कह रहे हैं लेकिन हमारी तरफ एक कहावत है, बाप घर बेटी गूदड़ लपेटी। हाँ गूदड़ लपेटी 16 सही है बहन जी। अरे जो दाने दाने को मोहताज है उसे देख लो, और जिसके दरवाजे पे हाथी घोड़े डोले हैं उसे देख लो। पहला निवाला बेटे को ही मिलेगा, बेटा आंख का तारा, बेटा राज दुलारा, बेटा ऐसा बेटा वैसा, बेटा डबल पैसा। अरे भाई बेटे को प्यार करो, बड़ी खुशी से करो, लेकिन बेटी को तो यूं घूरे पे मत डाल दो। बेटी पैदा हुई नहीं कि उसकी कान भराई शुरू। अरे तू पराई घर की है बेटी, बाप पर तू बोझ है बेटी। शहर में तो ऐसा है ये, गाँव में भी है। बहन जी मैं खुद भी यही कहूँ कि बाहर पैसा मालिक और गरीब आदमी गुलाम, और घर में वही गरीब आदमी मालिक और उसकी जोरू गुलाम। जिस दिन जे बात आदमी की समझ में आ जाएगी उस दिन से औरतें आजाद है जाएंगी, उससे पहले नहीं। पर जहां किसी की समझ में जे बात आए तब ना। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। अजी बुरा काहे कामना ना, आपको इसीलिए तो बुलाया है कि हमारी गवारू बुद्धि में भी कोई अकल की बात डालो। ठीक है, गरीब आदमी को पैसे की गुलामी कर पड़ती है तो औरत नहीं करनी पड़ती क्या? अभी मैं चैतराम के साथ आ रही थी तो देखा कि मोहल्ले में बच्चे और बूढ़ों की सेवा कोई नहीं आ रहा। पता चला औरत मर्द सब चोरी करने गए हैं, कोई खेत में, कोई पत्थर तो, कोई शहर में। औरत दोहरी गुलामी है रमेश भाई, कभी मर्द के साथ वो भी गुलामी करती है, दौलत अपनी हड्डियां तोड़ती है और घर में तो गुलामी करती है। अरे मर्द तो आके पांव पसार के बैठता है,
चौका चूल्हा धुलाई सब औरत के जिम्मे ही है ना। ये मर्दन को समझाए कोई और तो ये समझानी होगी कमला। बहन औरतें तो पहले ही समझी समझाई बैठी। अरे जो झेलता हो ऐसे पता हो। कहाँ समझे बैठी है कमला बता तो जरा। अपनी किस्मत का लेखा मानती है नहीं तो अपना धर्म, और अपनी बहू बेटियों को भी यही समझाती हैं। इसीलिए कहती हूँ रमेश भाई, औरतों की गुलामी मर्द की दया से दूर नहीं होगी। औरत और मर्द दोनों को मिलकर अपने को आजाद करना पड़ेगा। अरे मैं भी क्या लेक्चर झाड़ने बैठ गई। सुना है कमला ने पूरे गांव को हिला कर रखा हुआ है। अजी कमला की तो बस पूछो ही मत, यहाँ गंगरौली में तो इसी का सिक्का चले। जो ये कह दे के खड़ी हो जाओ तो गाँव की सगरी औरतें खड़ी हो जावे, और जो ये कह दे के बैठ जाओ तो गांव की सगरी औरतें बैठ जाए फट दिना दे। अरे जी अगर इलेक्शन में खड़ी हो जाए ना तो सबकी जमानत जब्त करा दे। चुप। जब देखो गज भर के जवान निकाल के ठाटा ठीठी शुरू करते हैं। अरे बहन जी मैं तो सर पटक पटक के हार गई, जहाँ किसी के कान पे जू ना रहती। बारह साल जब सड़क पर काम चल रहा, दिहाड़ी की लड़ाई में सगरी साथ रही। हाँ मैंने चैत्राम से सुना वो किस्सा। अच्छा उसने बताया आपको। हाँ तो बहन जी देखो सारी जलूस में गई, धरने पर बैठी और बराबर की दिहाड़ी भी जीती। और तो और पिछला महीना जहाँ हम बामन कुआं पे पानी के लिए ढाबा बोलने गए सगरी साथ गई। अब उन्हीं से जाकर मैं ये कहूँ कि औरतों के लिए पढ़ाई का केंद्र खुला है, वामे आओ दो अक्सर पढ़ना सीख लो तो कोई ना आती। अरे जितने मुँह उतने बहाने। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ मेरी ये समझ ना आ रहा। इसीलिए आपको शहर से बुलवाया है। सेंटर में गिनती की चार औरतें आई है इस बात से जे निराश होती जा रही है। सो मैंने इससे कही कि शहर में महिला समिति वालों ने पढ़ाई के साथ साथ जब सिलाई की क्लासें शुरू करी तो बतेरी औरतें आन लगी। इस बात से इसे थोड़ी हिम्मत बंधी। अब जी आप वैसा ही हमारे गांव में भी शुरू करवा दो तो हमारी औरतें भी पढ़ लिख जाएंगी। देखो भाई मैं साफ साफ बता दूं, ना तो मैं सरकारी अफसर हूं और ना ही झूठे वादे करने वाली लीडर। कैसी बात कर रही हो बहन जी, हमें क्या मालूम ना है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतना बता सकती हूं कि हमने कैसे किया, बाकी यहां करने कराने वाले तो तुम ही लोग हो। बहन जी मैं सब करने को तैयार, बस मुँह को कोई नू बताता चले कि कमला नू हो तो नू कर लीजो और जे परेशानी हो तो ऐसा कर लीजो बस। मैं कैसे समझाऊंगी कमला, मुझे गाँव में काम करने का तजुर्बा ही कहाँ है। अजी आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही तो रास्ता दिखाएंगे हम गवारों को। मैं नहीं मानती। अरे पढ़े लिखे होना ही सब कुछ नहीं होता। वो चैत्राम बता रहा था कि तुम्हारे कामता प्रसाद जी शहर से बीए करके आए हैं और ठाकुर साहब अंग्रेजों के जमाने के एमए हैं। 16वीं पास बताए हैं जी उनको। तो बताओ इन पढ़े लिखों ने क्या रास्ता दिखाया तुमको। औरतों को कम मजूरी भी तो यही ठाकुर साहब दे रहे थे। और सुना है कामता प्रसाद जी अपनी चक्की पे छोटे छोटे बच्चों को 10-10, 12-12 घंटे काम करवाते हैं चवन्नी अठन्नी दिहाड़ी पे। अरे इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है तुम्हें दबाने के लिए। पढ़े लिखे होने से ही कोई सही रास्ता दिखाने लायक नहीं हो जाता। रही बात हमारे शहर के सेंटरों की, तो वहाँ सिलाई की क्लासें खोलने से पहले हमने सिलाई से पेट पालने वाली औरतों का संगठन बनाया था, उनको दलालों के चंगुल से छुड़ाया था। अच्छा मान भी लो तुमने यहाँ की औरतों को काटना और सीना सिखा भी दिया तो उसका फायदा कौन उठाएगा, यही कामता प्रसाद और ठाकुर साहब ना। फिर उन औरतों की पढ़ाई किस काम की। अजी कैसे फायदा उठा लेंगे, वाह जी वाह। तुम देखना जहाँ औरतों ने मशीन चलानी सीखी शहर से थोक के दलाल आने लगेंगे काम लेकर, टके धड़ी के भाव काम करवाएंगे तुम्हारे नी कामता प्रसाद और ठाकुर साहब के भरोसे। एक तो अब भी आवे जी उमर इलाही टेलर मास्टर से काम करवावे है। सुशीला भी उसके लिए कढ़ाई कर रहे और मीरा देवी भी और एक दो और है बहन जी। वो ही फैलाएगा अपना जाल, उसे पता चलने की देर है कि तुम ऐसा कुछ करने जा रही हो वो खुद ही भागा भागा आएगा, मशीनों के लिए लोन सरकारी टीचर सब का इंतजाम करवा देगा। तो आप क्या कहती हो बहन जी सिलाई का स्कूल ना खोले। खोलो जरूर खोलो, कोई भी ऐसा काम करो जिससे औरतें एक जगह इकट्ठी हों, लेकिन शुरू से ही उनका संगठन बनाओ, उन्हें समझाओ कि काम सीखकर अपना कोऑपरेटिव बनाएं और ये ठाकुर जैसे लोगों को दूर रखें और दलालों को पास ना फटकने दें और एक रहें चाहे कुछ भी हो। ये बात मेरी समझ में आ रही है बहन जी, जो पढ़ लिख गई तो अपना कोऑपरेटिव तो खुद ही चला लेंगी। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने
जाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत।